हेलो स्टूडेंट्स, साइंस कॉर्नर के एक नई वीडियो पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने शुरू किया था क्लास सेवन्थ की साइंस का चैप्टर नंबर वन न्यूट्रिशन प्लांट्स, तो उसमें हमने बात की थी न्यूट्रिशन के बारे में, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, और साथ साथ हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में। आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी मैं नई वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में, जो कि हैं सबसे पहले तो सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो दूसरे फूड बनते हैं, जो दूसरे फॉर्म्स ऑफ फूड हैं जो प्लांट्स में बनते हैं, उनके बारे में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसके बाद हम बात करने वाले हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। तो उसमें सबसे पहले आता है ऑयल्स एंड फैट्स। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अब उसके बाद जो हम करने वाले हैं ऑयल्स एंड फैट्स के बारे में, तो देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने जो कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाया है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, और उसको स्टोर करते हैं अपने सीड्स में। ऐसे प्लांट्स जो अपने सीड्स में ऑयल्स एंड फैट्स को स्टोर करते हैं उनको हम कहते हैं ऑयल सीड्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो सनफ्लावर है, लिनसीड है, मस्टर्ड है या सोयाबीन है, और इनसे हमें जो ऑयल मिलता है उसको हम कहते हैं वेजिटेबल ऑयल, जो कि हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दूसरी तरह के जो फूड मटेरियल है अदर देन कार्बोहाइड्रेट वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी प्लांट में पाए जाते हैं, प्रोटीन्स प्लांट में बनते हैं। प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का, कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये हमारे खाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर हम खासकर हम ग्रोइंग चिल्ड्रन की बात करें या फीडिंग मदर की बात करें, काफ़ी ज़रूरी है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बनाने के लिए प्लांट को इस्तेमाल करने पड़ते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और साथ ही साथ नाइट्रोजन। अब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है प्लांट में आपको पहले पता है कि कैसे कहां से आती है, लेकिन अब बारी आ जाती है कि नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन प्लांट में कहां से आती है, देखिए प्लांट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है या ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे कि प्लांट नाइट्रोजन को कैप्चर कर सके, हवा से डायरेक्टली जो है प्लांट उसको नहीं ले सकता है। तो फिर नाइट्रोजन कहां से आती है, मैंने बताया था जब हमने पिछली बार फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि रूट से वाटर और मिनरल्स प्लांट अब्सॉर्ब करता है, तो ये नाइट्रोजन जो है वो भी सॉइल से उसी वाटर से सोल्यूशन की फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स अब्सॉर्ब होकर प्लांट में आती है। हम जैसे कोई भी प्लांट्स के लिए हम फर्टिलाइज़र छिड़कते हैं ज़मीन में, तो उसमें नाइट्रोजन रहती है इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। पानी में डिज़ोल्व हो जाने के बाद वो प्लांट रूट्स के थ्रू उसको अब्सॉर्ब करता है। तो अब हमारे लास्ट कंपोनेंट की बारी आ जाती है, वो है विटामिन्स। विटामिन्स जो हैं हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, हमें डिजीज और इन्फेक्शन से बचाने के लिए विटामिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बहुत सारी डिजीज होती हैं अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो, जैसे कि ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, बी की डेफिशिएंसी से बेरीबेरी होती है, सी से स्कर्वी होती है। तो बहुत सारी डिजीज होती हैं विटामिन की डेफिशिएंसी से, जैसे विटामिन डी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रिकेट्स हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। ये भी प्लांट का प्रोडक्ट है, प्लांट से बनते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, ये प्लांट से बनते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स थे, ये कुछ फूड्स थे, वेरियस फॉर्म्स ऑफ फूड्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट जो कि प्लांट में पाए जाते थे। तो ये तो बात हो गई हमारे पहले सब टॉपिक की। अब दूसरी जो हमारा सब टॉपिक है वो है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन या अदर मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अदर मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स अपना खाना जनरली खुद बनाते हैं, लेकिन साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स के अलावा जो दूसरे प्लांट्स हैं, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, जैसे फंगस है, मशरूम है या दूसरे मोल्ड्स वगैरह हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं और वो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह के प्लांट्स या उस तरह के जो दूसरे नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं, किस तरह से वो खाना लेते हैं, तो हम यहाँ बात करेंगे कुछ अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में।
ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में। ये वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं, लिविंग प्लांट पे दूसरे ग्रो करते हैं, और जो न्यूट्रिशन वो प्लांट लेता है ये उसी में से अपने लिए न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी कि जो वो प्लांट फूड बनाता है ये उसी का फूड इस्तेमाल करते हैं, उसी का खाना इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो कास्कुटा, जिसको हम अम्बर बेल बोलते हैं, वीट रस्ट, कॉर्न स्मट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि पैरासिटिक प्लांट्स में आती हैं। ये दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं और उसी के फूड का इस्तेमाल करते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए। अब दूसरी बारी आ जाती है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। अब ये प्लांट्स जो हैं वो शिकारी किस्म के प्लांट्स हैं। शिकारी का कहने का मतलब ये है कि ये एनिमल्स या इंसेक्ट्स को खाते हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। इसकी सबसे कॉमन एक एग्जांपल है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, जैसा कि आप अभी इस पिक्चर में देख रहे हो, जैसे पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, देखो ये पिचर प्लांट बना हुआ है। इसमें एक साइड में पिचर बनी हुई है और दूसरी साइड में आप ये प्लांट देख रहे हो। ये पिचर जो होता है ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है। लीफ मॉडिफाई होके एक पिचर शेप्ड, एक हम कहेंगे एक पिचर सा बनाता है, यानी कि एक बास्केट सा बनाता है, एक बैग सा बनाता है, और इसके अंदर जो है इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। इसके ऊपर एक लिड बनी रहती है, जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर चला जाता है ये लिड बंद हो जाता है और फिर इंसेक्ट इसके अंदर फंस जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है डाउनवर्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डाउनवर्ड पॉइंटेड है। यानी कहने का मतलब यह है कि नीचे की तरफ जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसमें बने हुए रहते हैं। तो प्लांट जब भी जो इंसेक्ट अंदर चला जाता है वो जब ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो वो उन हेयर्स में फंस जाता है और वहीं मर जाता है। मरने के बाद डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं इस पिक्चर में और वो उसको डाइजेस्ट करके अब्सॉर्ब कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरे कुछ एग्जांपल्स अगर हम बात करूं तो सनड्यू, ब्लैडर, ब्लैडरवॉर्ट, ये कुछ दूसरे प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्टिवोरस हैं, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। ये तो हो गए पैरासिटिक और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब बारी आ जाती है तीसरे टाइप्स की, वो है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक प्लांट्स, ये वो प्लांट्स हैं जो डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। यानी कि जैसे कोई चीज़ मर जाती है, जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है या कोई प्लांट सड़ रहा है तो ये उस पर फीड करते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स नॉन ग्रीन हैं, जैसे कि इसमें ज़्यादातर फंगस आते हैं, जैसे मशरूम है, जैसे दूसरे मोल्ड्स हैं, ठीक है, यीस्ट है। तो ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले तो जैसे जिस भी डेड डिकेइंग मैटर पर ये रहेंगे तो ये कुछ एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज़ करेंगे, जिससे सराउंडिंग का जो मैटर है उसको सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको अपनी बॉडी से अब्सॉर्ब कर देंगे, जनरल बॉडी सरफेस से उसको अब्सॉर्ब करेंगे। तो इसके एग्जांपल में अगर हम बात करें तो आ जाता है मशरूम्स, यीस्ट, मोल्ड्स, ठीक है। तो ये हो गई बात सेप्रोफिटिक प्लांट्स की। उसके अलावा एक और टाइप भी है सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स, अब ये सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होता है, देखो कुछ ऐसी प्लांट्स की टाइप्स होती हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के साथ, या कुछ ऐसे एसोसिएशंस होते हैं, यानी कि प्लांट्स दूसरे प्लांट्स के साथ मिलकर रहते हैं और दोनों को फायदा पहुंचता है। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल है लाइकन्स, यानी कि
सिम्बियोटिक प्लांट्स एक ऐसी एसोसिएशन या सिम्बियोसिस एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीशीज़ के यानी कि डिफरेंट दो अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं यानी कि दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। लाइकन एक एसोसिएशन है, ये एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें फंगस और एल्गे साथ में रहते हैं। जिसमें फंगस और अलगे साथ में रहते हैं, फंगस राम टेल प्रोवाइड करता है, फंगस जो है राम टेल अब्सॉर्ब करके देता है अलगे को और अलगे फूड तैयार करता है जिसका इस्तेमाल फंगस भी करता है। तो ये सिम्बियोसिस हो गया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास दूसरे सब टॉपिक की, तो अब बात आ जाती है हमारे तीसरे सब टॉपिक की जो कि है न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिशमेंट इन सॉइल। तो देखिए ग्रोइंग पॉपुलेशन की फूड नीड्स भी ग्रो हो रही हैं, सभी को खाना खाना है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो फूड नीड्स भी बढ़ती जा रही हैं, ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। हमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ानी है, कैसे किया जा सकता है ये, या तो हम एग्रीकल्चर लैंड बढ़ाएं या अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं यूजिंग बेटर सीड्स मैन्यूर्स फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। तो न्यूट्रिएंट्स हमारी सॉइल में कम होते जाएंगे जैसे जैसे हम लोग फसल उगाते हैं, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी आती जाती है, साल दर साल न्यूट्रिएंट्स कम होते जाते हैं, तो हम उन न्यूट्रिएंट्स को हमें रिप्लेनिश करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी फूड नीड तो बढ़ रही है, फूड तो ज़्यादा चाहिए, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम उन न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करते हैं। तो कैसे किया जा सकता है? तो ये हम कर सकते हैं दो तरीके से, या तो फर्टिलाइजर्स या मैन्यूर्स सॉइल में डालेंगे, या तो हम कर सकते हैं लेगुमिनस प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, पल्सेस को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी रूट्स में एक बैक्टीरिया रहता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली सॉइल में फिक्स करता है इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे इस लेसन की बात, हमारा लेसन यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और साथ ही साथ आप सोशल मीडिया पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगर आपको इसकी रेफरेंस बुक्स लेनी है तो उसके लिंक्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।